ओके तो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कौन सा फार्म बनाना चाहिए गन पाउडर के, तो आप लोग में से बहुत लोगों ने कहा क्रीपर फार्म बनाओ, और बहुत लोग तो कह रहे हैं वीच फार्म बनाओ, क्योंकि 1.19 में ना क्रीपर का स्पॉन को कम कर दिया गया है और वीच का स्पॉन काफ़ी ज़्यादा सही है, तो वहाँ से गन पाउडर फार्म बना सकता हूँ और उससे ना रेड स्टोन और बाकी चीज़ें भी मिलते हैं। लेकिन क्या है कि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे पता चला कि है ना ट्राइडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइडेंट से ना हम वो फार्म को बना सकते हैं और उसकी स्पीड को हम 4 गुना बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली को हमको मारना पड़ता है, लेकिन अगर हम ट्राइडेंट हो ना तो ऑटोमेटिक किलर तो बनता है, आपको पता है, लेकिन उससे उसकी है ना मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उससे हमको ज़्यादा अमाउंट के ना चीज़ें ड्रॉप होते हैं। तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, यहाँ से मैं घर पे नहीं गया था, मुझे पता नहीं अगर मैं यहाँ पे एंडर बॉल फेंकूंगा तो कहाँ पे स्पॉन होगा, मुझे वॉइड में ना गिरा दे, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात हो जाएगी और तकलीफ मुझे पसंद नहीं। लेकिन फिर भी हमारे है ना चांसेस जो भी है, मुझे ना ट्राई तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्राई किए मैं घर पर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसको लगा दे फटाफट से, अभी ना यहाँ से चुपचाप से घर पर निकलते और होप करें कि मैं ना वॉइड वॉइड में ना गिर जाऊँ। अभी तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो चलो भगवान का नाम लेते और यहाँ पर फेंकते। ओ चल निकल लें यहाँ से, और मैं कहाँ पर स्पॉन हुआ, ओके एक मिनट, मेरे हाथ से अंडर पॉल हटा दें तो कहीं नीचे ना गिर जाऊँ। ओके ये काफ़ी अजीब है, मेरे को लगा कि हम नॉर्मली आइलैंड पे स्पॉन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस पे स्पॉन हो गया अपने ऑब्सीडियन वाले पार्ट पे। चलो मेरा क्या जाता है, मेरा ही फायदा है। तो अभी यहाँ से घर जाना पड़ेगा, तो इलाइट्रा से उड़ के मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक टेक्निक यूज़ करते हैं, हमें ना अपने नेदर के थ्रू है ना कंबाइन करते हैं, क्योंकि बार बार 2000 ब्लॉक दूर नहीं आने वाला, और बहुत लोग कह रहे थे कि कंबाइन कैसे करते हैं, तो वो भी आगे बता दूंगा। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे इतने ऑब्सीडियन यहाँ से कलेक्ट करना है, जिससे कि मैं ना अपना एंडर पोर्टल बना सकूँ और थोड़े से ना एंडर चेस्ट और बना सकूँ। तो मतलब मैं यहाँ से 20 जैसे ना ऑब्सीडियन पहले कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे को ऑब्सीडियन चाहिए कलेक्ट कर लिया, ज़्यादा नहीं 20, उससे ना 10 से पोर्टल बनेगा और बाकी बच्चे कुछ ऐसे अपना काम करेंगे, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से कूद लेते, और स्पॉन पॉइंट तो मैंने सेट करके रखा है। तो गाइस मैं एक और बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, मैं अपना ये बेड को तोड़ के डायरेक्ट स्पॉन पॉइंट में अगर मैं कूदूंगा तो आपको पता है मैं कहाँ पे स्पॉन होगा, मैं सीधे अपने घर पे स्पॉन हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं पोर्टल बना के डायरेक्ट घर पे स्पॉन हो जाता हूँ। एक मिनट, पोर्टल बना के गया घर पे तो कनेक्ट तो होगा नहीं, मुझे यहाँ से जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ओके ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, यहाँ पे फटाफट से खुदाई करते हैं, एक पोर्टल बनाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पोर्टल बन गया, अभी इसको है ना मुझे लाइट अप करके कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसको कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुझे ना अंदर जाके ना वो कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा पहला वाला अपना क्या बोलते हैं पोर्टल है। तो इसको लाइट अप कैसे करूँ, एक मिनट, मेरे पास है ना यहाँ पे आयरन वायरन की सुविधा तो होगी ना, ओके आयरन की तो सुविधा है, लेकिन मुझे ग्रेवल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कवर नहीं करता ना तो ये है ना आगे कब का फट चुका होता है। एक मिनट, मैं इसको ना लूटिंग से मारूंगा ताकि ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मिले। और कहाँ गया यार, आजा फटाफट से थोड़ा और पास आ, मैं चाहता हूँ कि है ना मेरे को थोड़ा सा गन पाउडर मिल जाए इससे। और इसने कुछ ड्रॉप भी किया क्या, ओके ड्रॉप तो किया यहाँ पे। तो गाइस मैं ना यहाँ पे ग्लेवर ढूंढने का ना ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे ग्रेवल पता नहीं कहाँ मिलेगा, इसलिए एक काम करते, ये बेड को तोड़ के डायरेक्ट ही वहाँ पे अपने घर पे चलते, बाद में कभी कनेक्ट कर दूंगा। वैसे इतना बेकार में मेहनत मैंने क्यों किया, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से चलते, अच्छा मैंने नाइट्रोजन का एडऑन अभी लगा दिया। ओके तो मेरे पास खाना भी नहीं है यार, मैंने एंडर चेस्ट के अंदर सब कुछ रखा है। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से डायरेक्ट घर पे निकलते हैं। और ये फाइनली मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, यहाँ पे नाइट हो रहा है ना। ओके मेरा सारा का सारा घर किधर है, ओके सारा का सारा क्या घर ही गायब हो गया मेरा, और इतने सारे मॉब भाई, एक मिनट, ये मजाक थोड़ी चल रहा है, मेरे को निकलने दो यहाँ से। ट्राइडेंट अभी मेरे को कलेक्ट करने जाना है, मेरे को ट्राइडेंट हंट पे जाना है, लेकिन उससे पहले ना मुझे खुद को बचाना पड़ेगा। ओके कोई ना कोई बंदा मेरे को मार रहा है, निकल यार। अरे अरे एक मिनट, ये कहाँ से, ये एंड से तो यहाँ पे नहीं आ गया ना बेवकूफ़। तो मुझे क्राउच होने, तो खाना नहीं है मेरे पास, एक काम करते सबसे पहले है ना फटाफट खाना खाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा पेट भर गया, और नाइट है कि डे है मेरे को देखने दो, तो शायद से ना डे हो गया यहाँ पे, इतनी जल्दी डे हो गया, अभी अभी तो मैंने नाइट देखा था, शायद से डे ही हो रहा था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्पॉन हुआ तो कुछ ग्लिच हो गया होगा, चलो मेरा कुछ नहीं जाता। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे को जितने भी फायर वर्क बना सकते सबके सब बनाना है, और मुझे ना यहाँ से इलाइट्रा ले लेना है। तो फटाफट इलाइट्रा लेकर निकलते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इलाइट्रा पहन लिया, और इलाइट्रा से मैं अभी उड़ के नहीं जाने वाला, पहले मुझे थोड़े से और है ना यहाँ कहीं ना कहीं से जहाँ पे भी मेरे पास है ना यहाँ पे गन पाउडर है मुझे कलेक्ट करना है, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ क्या कह सकते, मुझे ना गन पाउडर फार्म है ना जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। और देखते हैं यहाँ पे कहीं क्रीपर व्रीपर नहीं है, लास्ट टाइम की तरफ फट गया तो गड़बड़ होगा। ओके 8 है, मतलब 8 मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, और लूटिंग का मेरे पास है ना स्वॉर्ड है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप यहाँ से ना टोटल कितने बने देख लेता हूँ, तो टोटल 26 बने, और मुझे कहीं क्रीपर मिलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, तो मेरे को है ना जाना है समंदर के पास, और देखते समंदर किधर है। तो मैं यहाँ पे नदी के रास्ते जा तो रहा हूँ, लेकिन समंदर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और मेरे को नदी में ही मिलेगा, लेकिन नदी में ना उनका स्पॉन पॉइंट कम होता है। और ये फाइनली मैं समंदर पे आ गया, मतलब इलाइट्रा कितनी सही चीज़ है यार, मैं कितनी जल्दी आ गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। तो बस मुझे यहाँ पे वेट करना है और यहाँ पे स्पॉन होंगे।
अभी ना देख सकते हो इलाइडा से उड़ने का तो मैं प्रो हूँ, मैं ना पॉकेट एडिशन में इतना खतरनाक तरीके से उड़ जाता हूँ, और पानी में कहाँ चला गया मैं। चलो कोई नहीं, अभी ना मुझे यहाँ पे अपना हंट चालू करना है, और कोई स्पॉन क्यों नहीं हुआ, तो शायद से मैं अभी आया ना तो स्पॉन होने में टाइम लग सकता है। ओके स्पॉन हो जाए यार फटाफट से, मेरे आंखों के सामने कुछ दिख नहीं रहा, एक मछली है क्यों नहीं दिख रही है मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मछली भाई कहाँ, ओके स्पॉन होना चालू हुआ। तो ये ट्राइडेंट वाला बंदा है क्या, तो ये अपना ट्राइडेंट वाला बंदा नहीं है, ये भी ट्राइडेंट वाला बंदा नहीं है। ट्राइडेंट वाले बंदे आ जाओ यार भगवान के लिए आ जाओ। ओके यहाँ पे एक बंदा मिला, लेकिन ये फिशिंग रॉड लेके आया, और फिशिंग रॉड लेके आके क्या ही कर लेगा मुझे वो समझ नहीं आ रहा। निकल यहाँ से, निकल बेवकूफ निकल, और निकल ले भाई। और इसने मुझे ना इनगट दिया, अरे हाँ मैं भूल गया कॉपर देते यार अभी तो ये, तो फटाफट ऊपर निकलो सांस लो। और यार कहाँ पे स्पॉन होंगे मेरे को देखने, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, कुछ और स्पॉन हुए लेकिन ये भी बिना ट्राइडेंट के, गरीब लोग है हम, गरीबों से ना लड़ाई नहीं करते हम यहाँ पे अमीर। एक मिनट कोई तो आया, कोई तो मार रहा है, अरे यार मुझे लगा ट्राइडेंट से दूर से फेंक के मार रहा है। निकल बेवकूफ़ निकल यहाँ से। तो ये ट्राइडेंट हंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी लगेगा मैं ट्राइडेंट लेके जाऊंगा। और कोई भी यहाँ पे ट्राइडेंट वाला बंदा नहीं है, पता नहीं ट्राइडेंट होता क्यों नहीं है, मतलब ऐसे लोगों के पास होता ही नहीं, मुझे एकदम तगड़े वाले बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो राजा महाराजा टाइप है। ओके तो मैं ये आइलैंड पे ना थोड़ा सा वेट करने आया था, लेकिन मुझे ना यहाँ पे कछुआ भाई दिख गया। मैंने आज तक कछुए का ना ब्रीडिंग व्रीडिंग नहीं कराया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और ये बेचारे भागने में लगे। और एक ही है क्या, एक मीटर दो नहीं तीन नहीं, ओके छोटा कछुआ भी है यहाँ पे, ये तो काफ़ी सही चीज़ है। अगर ये बड़ा होता है ना तो आपको पता होगा क्या होता है, ये मुझे ना कुछ स्कॉट नाम का कुछ चीज़ देगा, तो पता नहीं स्कर्ट या क्या बोलते, मैं क्या क्या बक रहा हूँ यार, लेकिन उससे ना हम हेलमेट बना सकते जो वाटर ब्रीथिंग के काम आता है। चलो कोई नहीं, अभी ना यहाँ से पानी में डाइव करते, और इस बार तो हम ट्राइडेंट लेके ही पानी से बाहर निकलेंगे। और ये बंदे निकल गए यहाँ पे, निकल गए क्या स्पॉन हो गए। और यहाँ पे देखते ज़रा, ये छोटा वाला बंदा, ये मछली का काटा, मतलब मछली का काटा गया, ये मछली पकड़ने वाला चीज़ क्यों लेके आ रहा है। और ये तो भाई तगड़ा डैमेज दे रहा है, और इसने मेरे को बो दिया, देने के लिए थैंक यू बट नहीं चाहिए मेरे को। ओके भाई यार कोई तो निकलो यार यहाँ पे, और यहाँ पे एक बंदा था जो मेरे से छुप रहा था, ये ट्राइडेंट लेके छुप रहा है। ओके यार ये नॉटलस सेल लेके छुप रहा है, अगर मैं ना नॉटलस सेल उनको देता हूँ ना तो वो मेरे को डायरेक्ट ट्राइडेंट देते हैं, बट उनको दूँ कैसे मुझे वो भी पता नहीं, फेंकता हूँ तो यहाँ वहाँ चला जाता है। ओके एक मिनट, अभी यार क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे, ट्राइडेंट वाले बंदे को क्या तकलीफ है, आ जाओ यार फटाफट यहाँ पे। और एक मिनट एक बंदा दिखा मेरे को, लेकिन वो ट्राइडेंट के बिना स्पॉन हुआ है। ट्राइडेंट वाले बंदे का क्या कोई यहाँ पे मंदी चल रही है क्या, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। ओके भाई एक काम करो, जो भी मुझे मिला रैंडमली सबको मारता हूँ। और एक काम करता हूँ यार मैं यहाँ पे, मैं भूल गया यार मेरे पास एक्सपी की भंडार है, मैं यहाँ पे तगड़े तगड़े इंचैंटमेंट लेके आ सकता था जिससे मुझे ही फ़ायदा होता। तो यहाँ पे ट्राइडेंट वाले बंदे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो अभी ना मुझे याद है कि यहाँ पे मछलियाँ बहुत स्पॉन हो रही है, अगर मैंने यहाँ पे बोनमिल फार्म बना दिया तो भाई क्या तगड़ा वर्क करेगा, मतलब मछलियों से जो बोनमिल मिलता है ना वो वाला फार्म एकदम सुपर फास्ट फार्म है, और वो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा, उससे मुझे बहुत ही तगड़ा फ्री का बोन मिलता है, मुझे खाली बैठना है और मेरे को मिलता रहेगा। और क्रीपर फार्म भी अगर मैं बनाऊँगा ना तो यहीं पर बनाने का सोच रहा हूँ। और यार ये दिमाग ख़राब करे, एक काम करते, ये जो मेरे पास एक्सपी है ना मुझे ये डरा रही है, तो सबसे पहले मैं इन एक्सपी का है ना कुछ एन्चेंटमेंट लेके आता हूँ तभी सही रहेगा। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना के उड़ लेते हैं। तो मैं आया कौन से साइड था, यही साइड से आया था ना, देख सकते हो मैं एक ही झाड़ के में उड़ रहा था, मैं तो क्या तगड़ा प्रो हूँ। तो मुझे खाली ये नदी को फॉलो करता है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे मुझे शुगर कैन वो सब दिख रहे हैं, और शायद से यहीं कहीं जाना है ना, मैं गलत डायरेक्शन में ना चला जाऊँ, मैं उसका डर लग रहा है मेरे को, तो मैं शायद से गलत डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। एक और इलाइट मतलब उड़ के देखते हैं, और मैं कहीं माइनस माइनस में जा रहा हूँ, मुझे ना ये साइड जाना नहीं, इधर प्लस हो रहा है। तो कौन से साइड, ये साइड मेरे को कहीं पर जाना है, और मैं इतने रॉकेट की यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखने दो यार, मैं खो गया मेरे ख्याल से, मैं कैसे खो गया यार, इतना प्रो बंदा खो जाता है ये कैसे होता है। ऐसे ना ये वाले नदी को फॉलो करना है, मेरा घर क्यों नहीं दिख रहा। ओके दिख गया फाइनली, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो मुझे क्या करना है, ये इलाइट्रा से कितना सही चीज़ है यार, मैं हज़ारों ब्लॉक अभी ट्रैवल करके आ गया कुछ ही सेकंड में। मुझे इलाइट्रा के लिए ना एक गन पाउडर फार्म तो डेफिनेटली बनाना है, कोई उसमें कोई शक ही नहीं है, मुझे बनाना है किसी भी कीमत पर, और कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तो अभी ना यहाँ से चलते, कहाँ पर जाऊँ। ओके यार कहाँ गया मेरा घर, मैं खो क्यों जा रहा है यहाँ पर बार बार। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़े से लेदर रखे थे, तो सारे के सारे लेदर लैपिस सब कुछ बाहर निकालते हैं, और इनसे ना सबसे पहले बुक बनाते, छः बुक मोर देन इनफ है। और देखते छः बुक से हमको क्या क्या मिलता है, मैं है ना रैंडमली इंचैंटमेंट लूँगा, कोई देखूंगा नहीं, तो ये जो भी आया है इसमें फटाफट से रखते हैं। और इसमें एफिशिएंसी 4 आया जो कि काफ़ी सही चीज़ है, तो यहाँ पे लेते हैं रैंडमली जो भी मिलेगा ले लूँगा। इसमें सिल्टच मिल गया जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, और इसमें लॉयल्टी 3 मिला, ओके ट्राइडेंट के लिए काफ़ी सही चीज़ है। इसमें लक ऑफ द सी 3 मिला जो कि ठीक ही ठाक है, क्या ही करूँगा पता नहीं। और इसके अंदर क्या मिला है,
पियर्सिंग और पता नहीं क्या बकवास चीज़ मिल चुका है। और इसमें क्या मिला है, इसमें एक्वा इन्फिनिटी, ओके मेरे को इसकी ज़रूरत थी, एक्वा इन्फिनिटी की मेरे को ज़रूरत थी। और एक मिनटा, मुझे यहाँ से कुछ इंचैंटमेंट भगाने पड़ेंगे जो किसी काम के नहीं, पियर्सिंग नॉकबैक किसी काम का नहीं, इसको निकालते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे जूते में ना ये ब्लास्ट प्रोटेक्शन है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं ना इसको डिस इंचैंट कर रहा हूँ। इसके अंदर है ना मेरे को क्या क्या लगाना है देखने दो, तो इसके अंदर अपना डेप्थ स्ट्राइडर आएगा, उसके बाद है ना मैं कुछ बुक लेके आया था अपने एंड सिटी से, तो वो भी लगाना है, लेकिन वो अभी फिलहाल मैं लगा नहीं सकता, काम करते हैं। मैं खाली एक एक्वा इन्फिनिटी अपने हेलमेट में लगा लेता हूँ। मुझे इसमें मेंडिंग भी लगाना है जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और उसको मैं खरीद के लाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे लग गया एक्वा इन्फिनिटी, खाली एक मेंडिंग लगेगा, बाकी तो सब लग चुका है। तो फटाफट अपने आर्मर को पहनते, इसमें भी मेंडिंग लगेगा, सब टूटने वाले हैं यार, मैं ध्यान क्यों नहीं दे रहा अपने आर्मर के पीछे, चलो उसको भी बाद में देख लेंगे। और ये जितने भी बुक है ना इन सबको रख देता हूँ। अच्छा मैंने एक्सपी को यूज़ कर लिया, मुझे थोड़ी सी शांति हो रही है, वरना है ना मेरा दिल धक धक कर रहा था, मैं मर गया सारी एक्सपी वेस्ट होएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सारे का सारे सामान को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी है ना काम करता हूँ, मैं ये पास वाली नदी में भी चेक करने वाला, इसमें मेरे को एक दो बार है ना ट्राइडेंट वाले बंदे दिखे हैं, तो यहाँ पे अगर मिलते हैं ना ज़्यादा सही रहेगा, मेरे को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, मछली वछली तो मुझे टाइम टाइम पे दिखते रहती है, वो तो कहीं पे भी दिख जाती है, बस मुझे ट्राइडेंट वाले बंदे चाहिए जो कि मुझे दिख जाए ना, मेरा काम होता है। एक ही ट्राइडेंट चाहिए ना अपने फार्म को बनाने के लिए, एक ट्राइडेंट बहुत होता है, और दो तीन, मैं एक ट्राइडेंट फार्म बनाने का सोच रहा हूँ, बट अभी मैंने ना पूरी तरह उस पर फोकस नहीं किया, जिस दिन मैंने फोकस कर दिया कोई रोक नहीं सकता मेरे को। तो यहाँ पे है ना मेरे को एक ट्राइडेंट चाहिए किसी ना किसी कीमत पे। तो बस फाइनली मुझे वहाँ पे ट्राइडेंट वाला बंदा दिख चुका है, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मुझे पता नहीं कि वो मुझे देगा भी नहीं, लेकिन मैं फुल अपना चांसेस तो लेने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये मुझे दे दे, तो दे दे भाई दे दे, एक शॉट में नहीं दिया और दूसरे शॉट में दे दे, मैं प्यार से मारता हूँ तेरे को, चल धीरे से मारता हूँ, ये ले धीरे से, और इसने मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, अरे यार अरे सांस लेने में तकलीफ है, मैंने ये ट्राइडेंट वाले बंदे नहीं है यार, एक मिनट वापस से यहाँ पे आ जाता। अच्छा मैंने एक स्पॉन पॉइंट बना लिया अपना, बस यहाँ पे खड़े रहना है और मुझे ऊपर से देखना है, जहाँ पे ट्राइडेंट वाला बंदा दिखा उस पर हमला कर देना। अरे चल ले भाई ऊपर, बैलेंस भी नहीं बढ़ रहा है, तो ट्राइडेंट वाला कहीं पे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक और ट्राइडेंट वाला बंदा मिल चुका है, शायद से ट्राइडेंट वाले है ना, तो इसी को मारते, दे दे ट्राइडेंट, दे 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 मेरे को, और मेरा सांस भी खत्म हो रहा है, दे दे जल्दी दे दे सांस के लिए, दे दे यार। और फाइनली दे दिया, फाइनली एट लास्ट मेरे को मिल चुका है ट्राइडेंट, मुझे एक ही ट्राइडेंट चाहिए था ज़्यादा नहीं, और मुझे मिल चुका है भाई, यार क्या ही कह सकते, जितना हालत ख़राब हुआ ना ये ट्राइडेंट के लिए कि मैं क्या ही कहूँ। देख सकते हो मुझे फाइनली एक ट्राइडेंट मिल चुका है, और ये ट्राइडेंट का हेल्थ भी काफ़ी सही, इसमें मेंडिंग लगाने की ज़रूरत है। मैंने सोचा कि वो जब भी देते हैं ना बहुत ही कमज़ोर देते, और इतना अंधेरा कि ओके नाइट हो रहा है ना मेरे ख्याल से, नाइट तो नहीं हो रहा है ना, नाइट हो रहा तो मैं ना यहाँ पे अपना गन पाउडर हंटिंग पे चलूँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा थोड़ा बहुत गन पाउडर हंट करते, जब तक है ना मैं गन पाउडर का फार्म नहीं बनाता ना, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। और मैं आया कौन से साइड था मुझे देखने दो, तो ये साइड से आया था क्या मैं, तो मैं जहाँ से भी आया था मेरा कोऑर्डिनेट माइनस में जा रहे थे शायद से ना, मैं यहीं कहीं से आया हूँ, अब चलो उड़ के पता लगाते, और मैं यहीं से आया था बहुत सही। तो स्टिल नाइट नहीं हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी है ना मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए, मेरे को यहाँ पे है ना एक मेंडिंग चाहिए, मेरे को चार मेंडिंग चाहिए एक्चुअली, एक नहीं, मेरे को ट्राइडेंट में भी लगाना है, उसके साथ साथ अपने आर्मर में लगाना है। आर्मर तो भाई ऑलमोस्ट मेरा देख सकते हो मतलब ख़त्म ही हो गया, अगर मेंडिंग नहीं लगा तो दिखेगा भी नहीं कि मेरे पास आर्मर था। ये ना मेंडिंग मुझे 3200 में मिलता है ना, तो मेंडिंग का जुगाड़ कहाँ से करूँ मुझे ये देखने दो। तो मेंडिंग का जुगाड़ मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग करके, लेकिन क्या ट्रेड करूँ देखने दो मेरे को पहले, क्योंकि आयरन तो भाई मैंने सब ट्रेड कर लिया, और ये आयरन फार्म के पास मैं ज़्यादा टाइम से था नहीं, तो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे मेरे को फ़ायदा हो। तो मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ, मैं इतना कम मेरे पास ऑप्शंस कैसे हो गए मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखने दो आयरन अपना कितना है उसके हिसाब से करेंगे, तो अपने पास काफ़ी सही अमाउंट का आयरन है, तो इससे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, मैं अगर आयरन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट जो फार्म बनाने वाला हूँ मैं अपना गन पाउडर फार्म और अलग अलग फार्म, उसमें मुझे तकलीफ हो सकती है, जो कि कई सही चीज़ नहीं है यार सच बोलूँ तो। और ये बंदा कहाँ से आ रहा है, निकले तेरी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत है मेरे को। तो ओके इसको अभी तक अनलॉक नहीं किया यार, हट जाओ, मेरे को अनलॉक वाले बंदे चाहिए। ओके तो मिल चुका है इसको, फटाफट ट्रेड करते हैं। तो इससे मेरे को सिर्फ 8 ही मिला अभी, तो यार बहुत कम है यार, 8 से क्या ही होगा, 8 से तो आधा मेरे को मेंडिंग नहीं मिलेगा। और मेरे यहाँ पे सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को देख रहे नाइट कब होगा यार, मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत हंटिंग करनी है। और आयरन गोलम थैंक यू भाई, तुम स्पॉन होते हो और मेरा फ़ायदा कराते हो, अगर मैं ना सुपर आयरन फार्म बनाता ना एकदम जायंट वाला तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा होता, बट फिलहाल के लिए नॉर्मल वाला है, इसे बाद में कभी बनाएंगे सुपर वाला। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे एक मैंशन बनाना चाहिए, अगर मैं वो बना दूँ ना तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है, वो है ना हमको क्ले में देता है, क्ले तो भाई मेरे नदी में इतनी सारी है कि मैं पूरी नदी बेच दूँ तो लाखों कमा लूँ। तो एक काम करते हैं, मैं एक नहीं दो तीन मैंशन बनाता हूँ, तीन ज़्यादा सही रहेगा, उसको मैंशन बोलते हैं या स्टोन कटर तो शायद वो आइटम का नाम है। तो देखते किधर है, ओके यहाँ पे 8 एक और मिल जाता ना तो काम हो जाता है। एक काम करते,
ये फटाफट से एक दो को स्मेल्ट कर लेता हूँ, एक ही चीज है ज्यादा नहीं, तो यहाँ से फटाफट मैं दो को बना लेता हूँ। ये नाइट हो गया, बहुत सही, तो बाकी काम बाद में देंगे, अभी क्रीपर हंटिंग पर चलते हैं। यहाँ पे मैं ना 100-200 क्रीपर मारूंगा और लूटिंग तो है मेरे पास, टेंशन क्या, और मैं थोड़ा दूर जाके मारने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता मैं आसपास के अपने एरिया है ना तबाह कर लूँ। अभी तब तक के लिए गायों को मार लेता हूँ कि स्पॉन होना चालू हो गए, तो चलो निकलो गाय यहाँ से फटाफट से, मेरे को लेदर बदल दो थोड़ा सा, और लैग क्यों हो रहा है यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, इतने सारे स्पॉन हो रहे हैं मेरे ख्याल से मॉब, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो निकल यहाँ पे, हड्डियाँ भी मैं लेने वाला हूँ, तो निकल, एक शॉट में मर नहीं रहे, कितने ताकतवर हड्डियाँ है। ओके, तो यहाँ पे वो रेड वाले बंदे स्पॉन में मैं रेड करा सकता हूँ यार। अरे यार, अरे मजाक थोड़ी है, अरे मजाक थोड़ी है, इतने सारे ये क्या हो रहा है यार, इतने तगड़े डैमेज कैसे दे रहे हैं लोग। तो पहले खाना खाते पहले तो, और यहाँ पे क्रीपर दिखा, ओके क्रीपर दिखा, तेल पीने गया क्रीपर, सबसे पहले अपना हेल्थ बढ़ाओ। मैं यहाँ पे क्रीपर मारने आया था, मैं खुद मरने नहीं आता यार, ये क्या हो रहा है, और इंचैंटेड बो लेके घूम रहे यार, ये थोड़ी चलेगा, इतने सारे थोड़ी स्पॉन होना चाहिए कि बार में, और सारे के सारे इंचैंटेड बो से मार रहे, मैं क्या कर रहा, मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके। और वहाँ पे वो रेड वाले बंदे स्पॉन हुए, मुझे एक रेड फार्म भी बनाना है, लेकिन वो आगे कभी बनाएंगे। सबसे पहले मैं चुपचाप पानी में आ जाता हूँ ताकि कोई मुझे मारे ना, और अपना हेल्थ बढ़ाता हूँ। मुझे क्रीपर दिख गया फाइनली, मैं ये क्रीपर को मारूंगा किसी भी कीमत पे। और क्रीपर के साथ साथ यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें है, निकल यार, अरे निकल 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 निकल, और ये बेवकूफ मुझे क्यों मार रहा है, हट यार यहाँ से। ओके, क्या तगड़ा डैमेज कर रहे, नहीं नहीं नहीं, मैं क्रीपर मारने आया था यार, मरने नहीं थे, अरे यार मैं समझ ही ना रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो देख सकते हो ये मेरा कितना हेल्थ कम कर दिया, मैं क्रीपर हंटिंग पे आया था, खुद को हंट कराने नहीं आया था। ओके, यहाँ से निकल लेते हैं, और अरे यार ये तगड़ा डैमेज दे रहा है। ओके, ये मेरे को मारेगा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलता हूँ, दूर निकलता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, मेरे को ये क्रीपर को ठिकाने लगाना है वरना बेइज्जती हो जाएगी। ओके, फाइनली मुझे थोड़ा सा गन पाउडर मिल गया, मैंने इलाइट्रा, ओके इलाइट्रा पहना, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, मैंने यहाँ पे आर्मर नहीं पहना तो भाई डैमेज तो होगा ही, अब जाके थोड़ा तगड़ा हुआ। तभी सोचूं इनकी अटैक की ताकत कैसे बढ़ गई, मैं कमज़ोर हो गया, ये पावरफुल हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने इलाइट्रा पहना है। चलो काफ़ी सी, अभी इन मॉब को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के निखारी क्रीपर को मारना, और किसी को नहीं, चलो निकलते। ओके भाई, क्रीपर भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, और ये बंदा आया और इसको मैंने शॉट मारा, पीछे चला गया, और आ गया आ गया जा, ओके जल्दी आ यार, और ये आ क्यों नहीं रहा मुझे वो समझ नहीं रहा, मेरे को देख नहीं पा रहा शायद से, निकल यहाँ से। और मुझे यहाँ पे है ना गन पाउडर मिल चुका है, तो निकल ले यार यहाँ से निकल। अच्छा है मैंने नॉकबैक लगा कर रखा है, ये है ना मेरे को मार ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे, पास फट ही नहीं सकता, और यहाँ पे मुझे फीड मिल चुका है। और यार ये मेरे को मारने आ रहा है, ये स्ट्रिंग इनसे ले सकता हूँ, पर स्ट्रिंग का करूँगा क्या मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है, फिर भी इनको निपटा लेता हूँ, निकल ले यहाँ से। यहाँ पे ना क्रीपर का स्पॉन रेट कितना कम है, मतलब जाओ में तो यहाँ पे इतने क्रीपर आ जाते कि मैं डर जाता, लेकिन यहाँ पे बेडरॉक के अंदर बहुत ही कम इनका स्पॉन रेट है। निकल ले यहाँ से फटाफट, निकल निकल निकल, और ये लगा शॉट और मुझे फिर से मिल चुका। यहाँ पे क्रीपर बचेंगे नहीं, कहाँ पे क्रीपर देखने दो। ओके, एक तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरी हंटिंग यहाँ पे चालू हो गई है। निकल 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 बेवकूफ, ओके तो ये लोग मुझे कैरेट दे रहे, पता नहीं क्यों दे रहे, बट सही है। ओके भाई निकलो निकलो, और इसने कुछ नहीं दिया, ये क्रीपर बहुत कंजूसा, देख दे कितने हुए मेरे पास, तो मुझे 13 मिल चुके हैं भाई। लूटिंग तो काफ़ी सही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्रीपर स्पॉन नहीं हो रहे, ये बहुत ख़राब चीज़ है। आ गया, अरे उड़ की, अरे यार मैंने इलाइट्रा निकाल दिया और उड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कभी कभी मैं अजीब अजीब हरकतें करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बीच दिखी, और बीच से पंगे तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है बीच को मारूँ या ना मारूँ, वैसे भी वो पोशन मार देगी, मेरा हाफ हेल्थ पे लेके पहुँच जाएगा मैं। यहाँ पे मैं अपने घर पे सीधे लैंड करूँगा, इलाइट्रा उड़ाने में तो मैं प्रो यार, मेरे से बेस्ट कौन है यार। ओके हो गए यार, बहुत हो गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अपना ट्राइडेंट मिल चुका है, और मैंने देख सकते 33 यहाँ पे गन पाउडर मैंने मार के ले लिया, मतलब इससे काफ़ी अच्छा अमाउंट में मैं फायरवर्क बना दूंगा। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ तगड़ा फार्म बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।